एक हामिद मीर का ट्विटर पे एक उसने ट्वीट किया है कि बुर्का पोश खातून फिर रही हैं और कह रही हैं एक औरत को जलील करेंगे। आप मुझे ये बताएं, वो औरत जो मुल्क का सारा पैसा खा गई, मुल्क डूब रहा है वहां पर, और यहाँ पर ये लोग अयाशियां मार रहे हैं इस तरह से सबसे महंगी जगह पर जाकर कोक्स पी रही हैं, और जिनको जरा भी पड़ा, 2,000 पाकिस्तान की अवाम को उनपे एहसान कर दे रही है, उन्हीं के टैक्स का पैसा यहाँ पे अयाशियां मार रही है, तो ये कैसे पाकिस्तान की अवाम से बच सकते हैं? आप लोग क्यों नहीं समझते इस चीज को? ये जलालत उन्होंने खुद अपने नसीबों में लिखी है। क्यों हमारे मुल्क को तबाह करने के लिए ऐसे तबाह कर रख दिया और खुद लोग यहाँ पे याशियां मारते फिर रहे हैं? एक हफ्ते में 10 दिन के अंदर ये दूसरा टूर है इसका, अपने वो 70 की काबीना को लेकर यहाँ पर आया हुआ है, दूसरा टूर यूके का, अमेरिका लेकर जा रहे हैं उनको। कितना पैसा खर्च हुआ है? इमरान खान को कहते हैं जो जलसों पे लगा रहे हो वो अवाम पे लगाओ, तुम अपनी याशियों पे जो लगा रहे हो वो अवाम पे लगाओ ना। क्यों नहीं हम लोग इनसे पूछेंगे? हमारा टैक्स खा रहे हैं, हमारा हक इन्होंने लिया है, हमारा हक छीना है इन्होंने, हमारा हक छीनने के बाद हम में ही ऐसे खुलकर कैसे फिर सकते हैं? अगर वो औरत है तो उसको भी शर्म करनी चाहिए। आगे से बात करती हमसे, बात नहीं कर रही है, आगे से और हंस हंस के हमें दिखा रही है, या क्या हमारा खाकर और हमें ही तुम लोग शेर बन बन के दिखाते हो, और फिर ये सहाफी ये लफाफे कहेंगे कि हमें शर्म आनी चाहिए? क्यों शर्म आनी चाहिए? तुम्हें तो लफाफे मिलते हैं, तुम करो शर्म, हमें लिफाफे नहीं मिलते, और हमसे यही ये लेंगे जो हमें दे रहे हैं। इंसान अपनी इज्जत खुद करवाता है, इस हुकूमत ने खुद अपनी इज्जत नहीं करवाई है, हमसे इज्जत की तवक्को रखते हैं, और ये सब जो कह रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ऐसे खुले फिरेंगे और हमें हंस हंस के हमें और फील करवाएंगे कि तुम लोग जानवर हो, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम बोल सकते हैं, हम बताएंगे कि आप लोग नहीं सही कर रहे हमारे मुल्क के साथ, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम सही करेंगे? फिर कहते हैं कि ओवरसीज है, पाकिस्तान आगे लड़ो, ये यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं फिर?